नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। न्यूज चक्र में आज दो मुद्दे हैं दोस्तों आपके सामने। मुद्दा नंबर एक, आखिर भारतीय खुश क्यों नहीं है? जी हां, हैप्पीनेस इंडेक्स सामने आया है और उसके मुताबिक 146 देशों में भारत बॉटम के 10 देशों में है, यानी कि बॉटम के 10 सबसे दुखी देशों में भारत है। अरे भैया, हमें समझ ही नहीं आ रही, देश में तो रामराज चल रहा है, फिर भारत खुश क्यों नहीं है? दूसरा मुद्दा, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके उद्धव ठाकरे सरकार को गिराना चाहती है और अब ओवैसी का प्रवेश हुआ है, कैसे यह बतलाऊंगा। मगर आइए शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की सियासत से। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। महाराष्ट्र की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी का प्रवेश हो गया है। उद्धव ठाकरे ने कल अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिवसेना का AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी के साथ किसी भी तरह के कोई गठबंधन या उनके सरकार में शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बकौल शिवसेना, जो लोग औरंगजेब की कब्र के सामने सिर झुकाते हैं, उनके साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं हो सकता है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कल उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उस बैठक के बाद शिवसेना के नेता संजय राउत ने स्पष्ट कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल शिवसेना को बदनाम कर रही है और AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है और लगातार जो है गठबंधन की सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदुत्व का दामन छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता, कह रहे हैं संजय राउत। वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मुख्यमंत्री जी ने आज स्पष्ट कहा है कि शिवसेना एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी है और रहेगी। शिवसेना हिंदुत्व से कभी भी इस प्रकार की तड़जोड़ नहीं करेगी। शिवसेना ने हमेशा हिंदुत्व का विचार बालासाहेब ठाकरे जी का स्वीकार किया है और उस विचार को शिवसेना आगे लेकर जाएगी। अगर कोई हमारे राजकीय विरोधक हमारे हिंदुत्व के ऊपर भ्रम पैदा करना चाहते हैं तो हम सहन नहीं करेंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ आपके स्क्रीन पर देवेंद्र फडणवीस जो लगातार कह रहे हैं कि अब शिवसेना को अपना नाम बदलकर जनाब सेना कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ ही दिनों पहले आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तस्वीर जिसमें सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता राजेश टोपे के साथ AIMIM के नेता यानी कि इम्तियाज जलील मुलाकात कर रहे हैं। और इम्तियाज जलील ने इस मुलाकात के बाद यह भी कहा था कि हम बीजेपी की बी टीम नहीं है और हम महाराष्ट्र की सरकार में शामिल होना चाहते हैं, गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। इस बयान से माहौल में अफरा तफरी पैदा हो गई। संजय राउत यहां पर करारा हमला बोलते हैं और कहते हैं कि AIMIM के साथ जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, उल्टा बीजेपी इस सवाल का जवाब दे कि वो 3 साल तक महबूबा मुफ्ती के साथ क्यों थे, वो महबूबा मुफ्ती जिनके विचार पृथक्तावादी हैं। क्या कह रहे हैं संजय राउत, आइए उनको सुनते हैं। कल से AIMIM की तरफ से एक ऑफर घूम रही है मार्केट में, उसके सूत्रधार उसके कर्ता धर्ता भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। AIMIM से ना कभी हमारा अलायंस होगा, गठबंधन होगा और ना करेंगे, और आप ही लोग हैं बीजेपी के। हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, बंगाल में देखा है, AIMIM के साथ छुपा अलायंस, गुप्त अलायंस करने वाले आप लोग हैं। तो ये इस भ्रम से हम राज्य को बाहर निकलना चाहते। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि महाराष्ट्र आने वाले दिनों में बहुत दिलचस्प होने वाली है और उसकी वजह बहुत साफ है। आपकी स्क्रीन पर इन दो चेहरों पर गौर कीजिए, अनिल देशमुख और नवाब मलिक। दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, दोनों इस वक्त जेल में हैं अन्य अलग अलग मामलों में। आपको यह बात समझनी पड़ेगी, नवाब मलिक वो शख्स हैं जिन्होंने शाहरुख खान और आर्यन खान मामले में भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया था।
उसके बाद ईडी उनसे पूछताछ करती है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है एक पुराने मामले को लेकर। यानी कि एक लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर किया जाए। आपकी स्क्रीन पर संजय राउत, उन्होंने बाकायदा राज्यसभा में सभापति यानी कि वेंकैया नायडू को खत लिखकर कहा था कि मुझे मोदी सरकार की एजेंसियां धमका रही हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आप सरकार गिरा दो। यही नहीं, संजय राउत की बेटी की शादी हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि उनकी बेटी की शादी में जो लोग टेंट का काम संभाल रहे हैं या जो लोग खाने पीने का काम कर रहे हैं उन्हें भी इनकम टैक्स और ईडी परेशान कर रहे हैं। यानी कि शिवसेना से जुड़े तमाम जो लोग हैं किसी भी तरीके से उन्हें कटघरे में रखा जा रहा है, उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। और अब रहस्यमय तरीके से असदुद्दीन ओवैसी का प्रवेश यानी AIMIM का प्रवेश इस सियासत में हो गया है। दोस्तों, इस खबर पर NDTV क्या कहता है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। इसमें आप देख सकते हैं राजेश टोपे से जो उनकी मुलाकात हो रही है उसकी भी तस्वीर है। इससे पहले AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील ने NCP नेता और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेश टोपे से मुलाकात की थी और कहा था कि उनकी पार्टी NCP और कांग्रेस से गठबंधन करने को तैयार है। चुनावों में कांग्रेस और NCP का वोट काटने के मुद्दे पर इम्तियाज जलील ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस और NCP को गठबंधन प्रस्ताव दिया है ताकि यह साफ हो जाए कौन किसके साथ है। आगे वो क्या कहते हैं, जलील जो AIMIM की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख हैं ने शुक्रवार रात संवाददाताओं से कहा, एक बीमारी के कारण मेरी मां की मौत के कुछ दिनों बाद मंत्री टोपे ने शुक्रवार को मुझसे मुलाकात की थी। यह हमेशा आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी वजह यानी कि AIMIM की वजह से जीतती है। इस आरोप को गलत साबित करने के लिए मैंने टोपे को प्रस्ताव किया कि हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। और यह आरोप लगातार असदुद्दीन ओवैसी और AIMIM पर लग रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के चुनावों में 100 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लड़ी थी और उन 100 सीटों में से 99 सीटों पर उनकी जमानत जो है वो जब्त हो गई थी। मगर दिलचस्प बात यह थी दोस्तों, उन 100 सीटों में ओवैसी की पार्टी को 5 लाख वोट्स मिले थे। आप ये बखूबी जानते हैं कि कई सीटों पर जीत का जो अंतर था वो 100, 200, 300, 1000 में भी था, यानी कि बहुत कम आंकड़ा था। इसलिए कई जानकार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में बेशक AIMIM को एक भी सीट ना मिली हो मगर उनकी मौजूदगी भर से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो गया, कम से कम आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं। और यही मलाल इस शख्स यानी कि अखिलेश यादव को है। AIMIM लगातार यह कहने का प्रयास कर रही है कि हम BJP की बी टीम नहीं है और उसकी वजह क्या मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जैसे जैसे अधिकतर राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी BJP की बी टीम है, वैसे वैसे AIMIM के लिए मुश्किल पैदा हो रही है। क्योंकि उनका जो कोर वोटर है वो है मुस्लिम और दलित, और जैसे जैसे उनके मन में ये बात घर करेगी कि असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी से BJP को फायदा मिलता है, वैसे वैसे उनका जो पारंपरिक वोट बैंक है उनसे खिसकता रहेगा। मगर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, अगर सीमांचल जैसे इलाके में, बिहार के सीमांचल जैसे इलाके में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिल रही हैं तो इसमें दोष ओवैसी का नहीं है। अगर बड़े बड़े राजनीतिक दल उन तमाम इलाकों में वोटर्स में विश्वास पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आपकी अपील में विश्वसनीयता नहीं है, वोटर आपकी बात का विश्वास नहीं करता, इसलिए वो उत्तर प्रदेश में 5 लाख वोट्स ओवैसी की पार्टी को देता है और बिहार के अंदर उन्हें 5 सीटें जितवा भी देता है। तो इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी रणनीति के बारे में भी सोचना पड़ेगा। बहरहाल हमारी निगाह जो है महाराष्ट्र में है क्योंकि महाराष्ट्र में मुकाबला बहुत दिलचस्प है, घटनाक्रम बहुत दिलचस्प है। साम दाम दंड भेद से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाए, मगर क्या ऐसा हो पाएगा, हमारी पैनी निगाह इस घटनाक्रम पर लगातार बनी रहेगी।
तो ये तो हुई महाराष्ट्र की बात दोस्तों, अब बात करते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स की। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों हैप्पीनेस इंडेक्स 146 देशों की लिस्ट आई है और इस लिस्ट के मुताबिक भारत का नंबर है 136वां। सबसे ज्यादा खुश देश में है फिनलैंड, दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे नंबर पर आइसलैंड, चौथे पर स्विट्जरलैंड, पांचवें पर नेदरलैंड्स। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि नेपाल 84वें नंबर पर है, बांग्लादेश 94 और पाकिस्तान भी हमसे बेहतर है 121 नंबर पर। अर्थात नेपाल के लोग, बांग्लादेश के लोग और पाकिस्तान के लोग हमसे ज्यादा खुश रहते हैं। बताइए क्यों साहब? अब मैं आपको मिलवाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के इस नेता से। ये हैं बीजेपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल। वो क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। चंद्रकांत पाटिल कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजाना सिर्फ 2 घंटे सोते हैं जबकि 22 घंटे काम करते हैं। प्रधानमंत्री एक प्रयोग कर रहे हैं ताकि उन्हें सोने की जरूरत ना पड़े और वो देश के लिए 24 घंटे काम कर सकें। कौन है ये? महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल। वैसे डॉक्टर्स कह गए हैं दोस्तों कि कम से कम 6 घंटे की नींद होनी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र तो 70 साल के ऊपर हो गई है। अगर मैं इनकी बात को सही मानूं, हालांकि मैं जहां तक समझता हूं चंद्रकांत पाटिल साहब शायद मजाक के मूड में थे तभी उन्होंने इस तरह की बात कह दी। मगर मेरा सवाल है चंद्रकांत पाटिल साहब से, चंद्रकांत पाटिल साहब, इंसान अगर 6 घंटे की नींद सोएगा ना तो स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो खुश रहेगा, खुश रहेगा तो बाकी सबको खुश रखेगा। क्योंकि अगर वो स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर नोटबंदी जैसे फैसले करता है, अगर वो स्वस्थ नहीं रहेगा तो लॉकडाउन कर देता है बगैर गरीब मजदूरों को चेतावनी दिए हुए, तभी वो बेचारे सड़क पर इस तरह से आ जाते हैं। आज देश की जनता को सोचना पड़ेगा कि आखिर क्यों भारत दुनिया के बॉटम 10 दुखी देशों में है। क्योंकि बकौल बीजेपी अच्छे दिन आ गए हैं, बकौल बीजेपी रामराज्य चल रहा है, बकौल बीजेपी देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जब देश की जनता को महज वोट्स हासिल करने के लिए आपस में लड़ाया जाएगा, देश की जनता के बीच में दीवारें खड़ी की जाएंगी सिर्फ इसलिए कि आप सत्ता में बने रहें, तो देश की जनता कैसे खुश हो सकती है? अगर आपको लगता है कि खास समुदाय को लगातार निशाने पर लेकर सिर्फ वही दुखी रहेंगे तो गलत सोच रहे हैं। क्योंकि जब आपका दिमाग सांप्रदायिक जहर से भरा हो, प्रोपेगेंडा से भरा हो, तो आप किसी भी कीमत पर दिल से खुश नहीं रह सकते। क्योंकि दिल से खुश रहने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपके दिल में प्यार हो, आपके दिल में बेतहाशा मोहब्बत हो। और जब मोहब्बत ही गायब हो जाती है दोस्तों तो इंसान खुश क्या खाक होगा? बताइए, जब आपके दिल में नफरत होगी तो आप खुश कैसे रहेंगे? मेरी इस बात पर गौर जरूर कीजिएगा। न्यूज चक्र में बस इतना ही। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।